नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूँ। क्या कहता है इंडिया में आप सभी मेहमानों और दर्शकों का स्वागत है। ये जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए बना एक खास शो है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश है। दिल में अपनों को खोने का गम है, लेकिन आंखों में बदले की आग है। मैं अनुभव कर रहा हूं आपके और देशवासियों के दिल में कितनी आग है। जो आग आपके दिल में है, वही आग मेरे दिल में है। क्या कहता है इंडिया में आज ना नेता बोलेंगे, ना एक्सपर्ट अपनी राय देंगे। आज हिंदुस्तान की जनता बोलेगी, देश बोलेगा। जनता बताएगी पुलवामा आतंकी हमले का बदला कैसे लिया जाए। आज हम जनता से 10 अहम सवाल पूछेंगे, जिनके जवाब तय करेंगे कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना चाहिए। सवाल नंबर 1, इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा कदम उठाना चाहिए। आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके, मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। अब देश के 19 बड़े शहरों से जनता की राय जानते हैं। मेरे को ही नहीं, पूरे देशवासियों को यकीन है कि मोदी सरकार ही एक है जो पाकिस्तान को पूरा सबक सिखा सकती है और अपने शहीदों का जो है वो बदला ले सकती है। पाकिस्तान को काफ़ी टाइम से इंडिया टरका रहा है। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जिससे कि लोग काफ़ी डर गए थे, बट उसके बाद ऐसा कुछ मेजर हुआ नहीं। बार बार वो लोग आते हैं, अटैक करते हैं, इतने हमारे सोल्जर्स मार्टियर होते हैं, तो इसके लिए आप कुछ भी छोटे मोटे डिसीजंस लेके नहीं कर सकते, आपको इसका ऑब्वियसली जवाब देना पड़ेगा। वक्त ऐसा आया है कि पूरे हिंदुस्तान में जो लोग एक माना एक वो लावा की तरह पक रहा है, बड़े अरसे के बाद लोगों में ऐसा एक बलबला पैदा हुआ, फौज के अंदर भी ऐसा एक बलबला पैदा हुआ कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, जो पहले हुआ लेकिन उस चीज़ से पाकिस्तान सुधरा नहीं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर हमारे 40 तो उनके 4,000 तो कम से कम उनको मारना चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं हमारे जो इंडिया की पब्लिक है और हमारे जो जवान मरे, हमारे कलेजे के टुकड़े थे वो, इनको तो हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, बीच पाकिस्तान के बीच में बम डालो। पाकिस्तान को तहस नहस करने की बात है, ये एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए। जितनी देर उतना सुस्त होता है रफ्तार। फिर जिस तरह अमेरिका ने उसामा बिन लादिन को सर्जिकल स्ट्राइक में मारा, वैसे मसूद को भी ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, ताकि जैश मोहम्मद का बिल्कुल सफाया होना चाहिए। बिना स्ट्रॉन्ग कार्रवाई के ये मसला सॉल्व होने वाला नहीं है। हमें इस पर कठोर से कठोर और सब लोगों को एक साथ मिलकर के कार्रवाई करनी पड़ेगी। लात के देवता होते हैं, वो बातों से नहीं मानते हैं। इसको तो कुछ जवाब देना ही पड़ेगा, अच्छी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसको जिंदगी भर याद रखे, इसे हम लोग अपना सोचते हैं और इसे जवाब देना चाहिए भारत सरकार को। उन पर दबाव डालना है तो अब सीधी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे नेशन के लिए, जहां पर हमारे 40+ CRPF जवान जो है शहीद हो चुके हैं। केंद्र की सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उनसे ये जरूर अपील कर रहा हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक से भी अब बहुत बड़ा कदम जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में होना चाहिए। जरूर देना चाहिए, पावरफुल जवाब देना चाहिए, लेकिन जंग छेड़ देना भी उसका सलूशन नहीं है। जाहिर सी बात है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी
हम उससे बेटर कर सकते हैं टेक्निकली, जैसे कि अमेरिका करता है बाकी सारी कंट्रीज के साथ, हमको उस तरह करना चाहिए। खुलेआम जंग नहीं छेड़नी चाहिए। अभी मौका आ गया, उसे वर्ल्ड के नक्शे से ही मिटा देना चाहिए इस समय, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है, ये आतंकवाद का देश है पूरा का पूरा। ऐसी पाकिस्तान की सर्जरी करनी चाहिए कि जिनके दो चार भागों के अंदर पाकिस्तान देश का बंटवारा कर देना चाहिए, ताकि वो हमारे साथ कभी आंख मिलाने के लायक भी न रहे। पाकिस्तान जो है बार बार गलतियां करता है और बार बार जो है हरकतें करता है, इन सारी हरकतों का जवाब इस तरीके से दे दो कि आगे से वो कभी सर उठाने की कोशिश ही ना करे। सवाल नंबर दो, क्या सैन्य कार्रवाई से ही पाकिस्तान सुधरेगा? मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रख रहे हैं, अपने जवानों पर भरोसा रखिए। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये सब ये हमारे जवान तय करेंगे। अब जनता की राय। लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, उनको तो सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। डायरेक्ट अटैक करके तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी दूसरी पावर्स भी इसमें शामिल हैं। बट हमें भी जिस तरह से वो कर रहे हैं कि अंदर जाके इसी तरह के कुछ अटैक्स या जैसे स्ट्राइक्स वगैरह की थी, वी हैव टू डू दिस। नहीं, ये मुझे नहीं लग रहा है कि सेना की कार्रवाई से, बल्कि सुधरेगा, ये सुधरेगा बातचीत से। सरकार को डिप्लोमेटिकली कुछ करना चाहिए, और सैनिक कार्रवाई का तो मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन फिर भी सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का अगर कुछ सरकार चाहती है डिटरेंस के लिए तो कर सकती है। बातचीत तो बहुत कर ली पाकिस्तान के साथ, बहुत बार की है, कभी बोलते हैं उसको आगरा में बुलाया गया, कभी कुछ है, ऐसे बातों से मानने वाले नहीं हैं। सैन्य कार्रवाई ही सबसे बड़ा हल है। जब तक पाकिस्तान पर एक ज़बरदस्त अटैक नहीं होगा, तब सब कुछ नहीं होने वाला, उसको एक करारा जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तान को तो जवाब देना ही चाहिए, क्योंकि हमारी मतलब पूरे वर्ल्ड में दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, और ये सैन्य शक्ति इस्तेमाल मतलब इसका कोई खौफ ही नहीं है हमारे पड़ोसी मुल्कों को, तो ये किस काम की है सैन्य शक्ति? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बात द्वारा नहीं माने, क्योंकि वार्तालाप बहुत हो चुके हैं, तो ये जो सैनिक कार्रवाई द्वारा ही सुधारा जा सकता है। आर्मी एक्शन तो गवर्नमेंट जो है वो सही टाइम आर्मी डिसाइड करेगी। वो प्रधानमंत्री ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, ये तो दो मिनट का खेल नहीं है। हथियार उठाने से अभी वो लोग आधा दम निकल गया वो लोग, अगर उसके बाद में भी हम कुछ स्ट्रांग एक्शन लेंगे तो बिल्कुल ही टूट जाएगा, कंट्री खत्म हो जाएगा। सिर्फ सैनिक कार्रवाई से नहीं गुजरेगा, हर तरह की कार्रवाई जो पाकिस्तान के साथ हम लोग कर सकते हैं, चाहे वो जल रोकना हो, खाना रोकना हो, हवा तक भी बंद कर देनी चाहिए, पाकिस्तान की तरफ मुड़ने वाली हवा तक भी बंद करनी चाहिए। उनको इतने तड़पा तड़पा के उनकी मौत देनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने हमारे 40 भाइयों के साथ जो गंदी हरकत की है। लातों के भूत है, उनको लात से ही जवाब देना ही चाहिए। कोई गवर्नमेंट तो ऐसी आई है जिसने इतना बोल्ड स्टेप कुछ भी उठाया है। पाकिस्तान सुधरेगा, कूटनीतिक नीति से भी सुधरेगा, सैन्य कार्रवाई भी करी जाएगी। कूटनीति कार्रवाई चल रही है, पानी बंद कर दिया है, व्यापार बंद कर दिए हैं, आज यूएन में भी उसके खिलाफ प्रस्ताव भी पास हो गया, जो चीन उसका वीटो पावर इस्तेमाल करता था, आज पांच देशों पांचों ने जो है उसके खिलाफ ये प्रस्ताव पास किया आतंकवाद दो इसके। सवाल नंबर तीन, इमरान खान की धमकी क्या पाकिस्तान का डर है? आपका इलेक्शन का साल है, और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। अब देश की जनता की राय जानते हैं। इमरान खान साहब ने, उसको भी अपने ताकत का अंदाजा होगा, उसने भी उस ताकत की बुनियाद पे उनको वापस धमकी दी होगी, तो मुझे लगता है अगर जंग होगी तो हम नुकसान हमारा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान होगा वो JNK का होगा। एक अच्छा सा इसको अटैक होना चाहिए, जिससे इसको सबक मिले वाकई कि हिंदुस्तान सिर्फ गिदर बबके नहीं देते हैं, एक कुछ कार्रवाई भी कर सकते हैं। इमरान खान का डर और पाकिस्तान को डर सता रहा है कि हिंदुस्तान अभी बहुत पावरफुल हो गया है,
अभी ये किसी भी ऐसे आतंकी हमले से डरने वाले नहीं हैं और हमारे ऊपर कुछ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये एक गीदड़ भपकी को छोड़कर और कुछ नहीं है। इमरान खान को हम याद दिलाना चाहेंगे 61 के युद्ध में क्या हुआ था, करगिल वॉर में क्या हुआ था। पाकिस्तान हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। हम जब भी उसके साथ युद्ध करते हैं हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ती है। युद्ध के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो डरा हुआ है और डरा सहमा हुआ है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो युद्ध की ओर जाएगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। और पाकिस्तान के पास न सैन्य बल है, न पैसा है, न हथियार है। खाली गिदड़ भपकी दे रहा है इमरान खान ताकि इंडिया कुछ करने से अटक जाए। अपने पूरे दुनिया से भीख मांग रहे हैं, सऊदी अरबिया से भीख मांग रहे हैं, तो मुझे नहीं चाहते वो लोग युद्ध करके और अपनी इकोनॉमिक्स को और ख़राब करना चाहेंगे। वो सिर्फ डर रहे हैं और वो सिर्फ गिदड़ भपकी कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं आता। इमरान खान को कुछ देश चलाने का ज्ञान नहीं है। वो खाली क्रिकेट मैदान में ही खेल सकते हैं, उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, पैसे को तरस रहे हैं, उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इमरान सोच समझ के ये बात को बोल रहे हैं। उनको ये मालूम है कि अगर हिंदुस्तान से युद्ध होता है तो हर हाल में पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अच्छी तरह से वो जानते हैं, इतिहास गवाह है कि आज तक पाकिस्तान कब लड़ा है और कब जीता है। वो भले अपने गिदड़ धमकी दे दें, उनके फेस वैल्यू को आप देखो, फेस वैल्यू से उनके मालूम पड़ता है कि वो पहले से ही डरे हुए हैं। ये इमरान खान का डर है क्योंकि इमरान खान में इतनी ताकत नहीं है कि वो सामने से कभी भी वार कर सके। ये जो अटैक हुआ है ये भी अभी पीठ पीछे ही हुआ है। अगर उनमें दम है तो आके सामने से वार करें। ये लगता है कि इमरान खान वाकई में उनके हाथ में कुछ नहीं है, जैसा वो दिख रहे हैं उनके हाथ में एक्चुअली कुछ नहीं है। ना तो उनकी आर्मी उनके हाथ में है और गवर्नमेंट उनकी कितनी सुनती ये हम सब लोग देख ही चुके हैं। वो इमरान खान का डर है, वो डर के मारे ऐसा बोलता है। बाकी इमरान खान को करी लेना चाहिए भारत को और उसको सबक सिखाई देना चाहिए। सवाल नंबर 4, आतंकवाद के साथ साथ कश्मीर का मसला भी सुलझाना चाहिए। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है। कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। 40 साल से आप भी आतंकवाद के भुक्तभोगी हो। 3 जिलों में कुछ मुट्ठी भर लोगों की पनाह से ये खेल चलता रहा। अब जनता की राय। कश्मीर का मसला तो बहुत पहले ही सुलझ जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकार ने कुछ ज़्यादा उस पर ध्यान दिया नहीं, तो अब शायद कुछ सैन्य कार्रवाई से कुछ असर पड़ेगा। कश्मीर का मुद्दा इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा जब तक का पैसा इन्वॉल्व है। यू नो मोस्ट ऑफ द लीडर्स, एवरीबडी नोज द मनी कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, इट इज चैनलाइज्ड फंडेड, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव इन पीस। तो ये इशू कहाँ से खड़ा हो गया, उनके राजा ने डिसाइड किया हम यहाँ आ जाएंगे। जब तक का ये मिलिटेंसी नहीं थी तब तक का सब ठीक था। ये पिछले 10 साल से लगे हुए हैं, कांट अंडरस्टैंड। जहाँ हजरत बल बना हुआ है इनका, मोहम्मद का बाल ला के इन्होंने रखा हुआ है, वो उस जगह में आग लगाने में लगे। ज़रूर हर कोई जोश आदमी चाहता है कि इस खून खराबे का खात्मा हो, कश्मीर मसले का हमेशा के लिए एक दायमी हाल निकले। अपने को अब बहुत बड़ा कदम उठाने का समय आ गया है और जैसे जहरीले कीड़े मकोड़े आप जानते हो कि जमीन से निकलते हैं, उस तरह से ये आतंकवाद अब कश्मीर में और हमारे देश में फैल रहा है। तो इसकी सोच को बंद करना पड़ेगा, ये सारे जो गड्ढे हैं इन गड्ढों को बंद करना पड़ेगा। ये अब समय आ गया, अगर हम इस गड्ढों को बंद नहीं करेंगे तो ये आतंकवाद कभी ख़त्म नहीं होगा, ये लड़ाई हमेशा इस तरह चलती रहेगी। कश्मीर का मामला तो कश्मीर तो देखो हिंदुस्तान का ताज है, पाकिस्तान को कश्मीर भूल जाना चाहिए। कश्मीर क्या, कश्मीर का एक पत्थर भी पाकिस्तान को मिलेगा नहीं, चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले, अपनी पूरी पूरी ताकत लगा ले। पाकिस्तान को यह मालूम नहीं कि वो देश दिया हुआ, हम हिंदुस्तान ने दिया हुआ भीख में है, भीख में लिया हुआ देश वो क्या कश्मीर को लेगा। धारा 370 कश्मीर पे लागू है, वो हमें हटाना चाहिए क्योंकि अगर देश एक है तो विधान दो क्यों। पाकिस्तान को समझना होगा कि कश्मीर कोई झुंझुना नहीं है जो रोते हुए बच्चे को पकड़ा दिया जाए। सबसे पहले तो धारा 370 हटानी चाहिए, ठीक है। जब धारा 370 हटेगी तो वो हमारे देश के बराबर हो जाएगा और जो अफ्सपा कानून जिस तरह से 1990 में था
और वहाँ पे एक पापा टू सेंटर था जिसमें जिसको भी आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता था तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता था। तो एक सख्त रवैया अपनाना चाहिए कि अगर वह धारा 370 खत्म करनी चाहिए और सेना को पूर्ण अधिकार दे देना चाहिए कि जो भी आतंकवादी वह कैंप है उनको खत्म कर दिया जाए और पूर्ण रूप से कश्मीर में धारा 370 खत्म करके पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान से कारोबार बंद करने पर इमरान पर दबाव बनेगा? इंसानियत कैसे दुश्मनों का चुन चुन करके हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुनिया भर में इनका दाना पानी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, आपका ये प्रधान सेवक इसी काम में जुटा है। अब जनता की राय। अगर इनका खाना पीना अगर सब इंडिया से जा रहा है, अगर उनको बंद कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे उनको उनकी सरकार पे एक दबाव बनेगा और जिसकी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमिक है वो टूटती चली जाएगी। एवरी पॉसिबल वे इंडियन गवर्नमेंट शुड टेक उनको जवाब देने के लिए। मोस्टली इम्पोर्ट इंडिया से ही जाता है पाकिस्तान के लिए, चाहे वो सब्जी में हो गया, चाहे वो वाटर से हो गया, चाहे वो इरीगेशन सिस्टम हो गया, तो वो सारा इंडिया के थ्रू हो रहा है। वो सारा बंद कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस है कि हमारे और उनके कम्युनिकेशन गैप आ जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसा ना करें। मुझे नहीं लगता कि टमाटर नहीं जाएंगे और वहाँ जो है उन पर दबाव पड़ेगा। इसके लिए कुछ अलग तरीके से कोई नए पहलू निकालने पड़ेंगे ताकि उन पर दबाव बन सके, क्योंकि भारत सरकार का ये जो फैसला 200% शुल्क लगाने का ठीक है। बस सिर्फ इसमें थोड़ी सी जो मैं आज न्यूज चैनल देख रहा था उसमें ये जरूरत है कि ये पूरे के पूरे बॉर्डर पे लग जाए, सिर्फ अटारी बॉर्डर पे ना रहे। पाकिस्तान की जनता टमाटर खाए ना खाए, उससे हम हिंदुस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता और हम इस जो डिसीजन है 200% शुल्क का वो पूरा समर्थन करते हैं। ट्रेड जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और पाकिस्तान से जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग है वो हटा दिया गया है, उसके वजह से काफ़ी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही है और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है हमारी सरकार ने जिसका भुगतान पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। अब जनता की राय। ठोस कदम थोड़े उठाएंगे तो ही उसके ऊपर दबाव बनेगा तो वहाँ की जनता उन गवर्नमेंट पर दबाव बनाएगी तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े। बाकी मुझे लगता नहीं है कि जो 200% जो ड्यूटी लगाई है और जो पानी रोका है उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। गवर्नमेंट है, उनको इन सब चीज़ों का बहुत एक्सपीरियंस है, इस चीज़ का इतनी बार हुआ है। मुझे लगता है कि इसके लिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना चाहिए। बार बार अटैक कर करके एक कंट्री दूसरे पर अटैक करेगी, सिर्फ जाने जाएगी और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उस पर आई थिंक लॉन्ग टर्म कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को और कदम उठाने चाहिए, जैसे अभी भी उनका एम्बेसी है हमारे कंट्री में, सारे रिलेशंस ख़त्म करो। अगर आप पानी रोकना ही चाहते हो तो पहले ये तो ख़त्म करो। उनके एम्बेसडर हैं, ISI का यहाँ पे ऑफिसर्स यहाँ पे रहते हैं, तो पहले उन्हें ख़त्म करना चाहिए। सरकार को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दोनों से ये कहूँगा कि वो संयम बरते, इफ़ाम तफ़हीम से जो मसला हल हो सकता है वो पानी बंद करने से या टैक्स लगाने से, इन चीज़ों से शोला जो है ये आग पे तेल छिड़कने का काम करेगा। पानी का डायवर्शन मेन है। जो पूर्वोत्तर नदियां हैं वो तो हमारे 1960 के जो फैसला हुआ है उसके अनुसार हमारे हिस्से में है, लेकिन पश्चिम वाली जो नदियां हैं उसका भी हम एक इरिगेशन के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए जो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो पानी वगैरह बंद किया है ये बहुत स्वागत योग्य है और इस तरह से मतलब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी उसके ऊपर डेफिनेटली असर पड़ेगा। सवाल नंबर 7, पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया एकजुट है, इसका असर पड़ेगा? दुनिया के ज्यादातर देश, दुनिया की हर बड़ी संस्था आज पुलवामा में करवाए गए आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट है, एक स्वर से बोल रही है। आतंक के विरुद्ध पूरी दुनिया में एक व्यापक मत बन चुका है। आतंक के गुनहगारों को सजा देने के लिए
हर मोर्चे पर मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देश की जनता की राय जानते हैं। पूरा पोलराइजेशन हो रहा है वर्ल्ड में, तो जो टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज हैं वो एक साइड जा रहे हैं और बाकी जो पीसफुल कंट्रीज हैं वो अलग है। तो अल्टीमेटली आगे आगे इस पूरे वर्ल्ड पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। ये कोई सलूशन नहीं है कि हम दूसरे कंट्री पे वॉर करें। इससे अच्छा जो अभी इंडिया कर रही है, लाइक जो डिप्लोमेटिक टाइज है उसको लेके, जो मोस्ट फेवरेबल नेशन का टाइटल था वो वापस लेके, ये जो कर रही है इंडिया अभी जो कंट्री गवर्नमेंट डिसीजन दे रही है, मुझे लगता है ये ठीक है, क्योंकि इससे उनके उनके जो भी वो कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वो होगा और वो लोग मतलब बंद करेंगे, स्टॉप करेंगे। जहाँ तक बात है हमारी कंट्रीज जो हमारे साथ दे रही हैं, वो एक अच्छा एक स्टेप है कि हम वर्ल्ड में अपने आप को रख पा रहे हैं अपना पॉइंट। जिस तरह से भारत ने कूटनीतिक कदम उठाए उससे पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग हो गया है, और इसी का नतीजा ये रहा है कि अब पाकिस्तान केवल गीदर भभकी दे सकता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। इनको जब तक का सब तरफ से घेरा नहीं जाएगा ये तब तक का सुधरेंगे नहीं। वी हैड फोर वॉर्स विद देम, वी हैव नेवर बीन द अग्रेसर, एंड यू नो द वर्ल्ड फॉरगेट्स आफ्टर सम टाइम, यू नो वी हैड द बॉम्बे अटैक्स टिल डेट आफ्टर 10 इयर्स व्हाट हैज हैपेंड, रियलिटी में क्या हुआ है ऑन ग्राउंड। बातें सब हो रही है, सब मानते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड एवरीबॉडी नोस, बट एक्शन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। आपने जिस तरह से पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने का एक प्रयास किया है उसमें आशा की किरण बंधी है, और हम ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान को जिस तरह से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो हुए, अब ये दो नहीं ये चार होने चाहिए। आज पूरे कंट्री, पूरा देश और दूसरे कंट्रीज जो बाहर की कंट्री, वो भी आज पूरा भारतवर्ष का सभी साथ दे रहे हैं आतंकवाद से की लड़ाई से निपटने के लिए। हर एक का पूरा सहयोग, हर देश का पूरा सहयोग मिल रहा है। अगर पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाएगी और पाकिस्तान अकेला रह जाएगा तो उसे बहुत कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी हम लोग देख सकते हैं कि उससे मोस्ट फेवर्ड कंट्री का टैग हटा लिया गया है, जिससे उनका 200% एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया। सवाल नंबर 8, क्या मोदी सरकार पाकिस्तान को सबक सिखा सकती है? सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। दुनिया में तब तक शांति संभव नहीं है जब तक आतंक की ये फैक्ट्री ऐसे ही चलती रहेगी। आतंक की इस फैक्ट्री पर ताला लगाने का काम भी अगर मेरे ही हिस्से लिखा है तो ऐसा ही सही। अब जनता की राय। मोदी सरकार आतंकवादियों को या पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाएगी और सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं, हमको जो इतनी तकलीफें हो रही है, उनके घर में उनको कितनी तकलीफें हो रही है, इनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। उनका ये डर है क्योंकि मोदी जी ने पहले भी एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वो हिसाब से बहुत डरे हुए। अरे पाकिस्तान की तरफ से बहुत गलत कदम उठाया दोबारा, पहले उठा गया था तो सर्जिकल स्ट्राइक से उसका बहुत सही जवाब दिया गया था, तो पाकिस्तान को चीज़ समझ जानी चाहिए थी, बट एज यूजुअल उनकी आदत हो गई है हर चीज़ को ख़राब करने की। दोबारा अटैक करवाया गया तो दोबारा जवाब तो बहुत गलत ही मिलेगा उनको। इस बार मैं चाहती हूँ कि मोदी सरकार की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इस बार इससे इतना मतलब इतना हो जाए कि दूसरा स्ट्राइक जो वो खौफ क्रिएट कर दे पाकिस्तान में, कि हिंदुस्तान पे हाथ डालने से पहले वो 10 बार सोचो। हम ये कहेंगे जो भारत सरकार है, सबक सिखाने का मतलब जंग होता है। जंग किसी चीज़ का जो है ऑल्टरनेट नहीं होता है, जंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जंग से खराबियां होती है, आर भी होती है, पार भी होती है, जंग से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यही कहूंगा दोनों ममालिकों को कि वो सामने आके बैठ जाए, टेबल पे बात करे और सलाह से कोई रास्ता निकाले। हर बार इस प्रकार की कायराना हरकत करता है और बाद में उस सबूत चाहिए, कितने सबूत देंगे उसको, बहुत सारे सबूत है, लेकिन अब कोई सबूत नहीं मिलेगा, अब सीधा युद्ध होगा और युद्ध होने के बाद पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। दिल में इतना आक्रोश है, ऐसा दिखता है कि इससे बड़ा होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक से वो सुनने वाले नहीं है, मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखे कि बार बार जितना भी वार्निंग दे वो लोग सुनने वाले नहीं है,
इसलिए कि बड़ा कुछ करे तो ही ठीक होगा शायद। सर्जिकल स्ट्राइक से तो और बड़ा एक बार तो हमला होना ज़रूरी है, ताकि अपने जो वीर सैनिक वगैरह हैं और हिंदुस्तानियों को भी एक भरोसा रहे कि भाई नहीं, मोदी जी अब प्रधानमंत्री हैं और बोले हैं तो कुछ ना कुछ स्ट्रांग एक्शन लेंगे, इसके इंतज़ार में है पूरा देश। और मुझे यकीन है कि भारत सरकार जरूर आज नहीं तो कल हमला करेगा, और इस हमले पे पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा, लाहौर तक हिल जाएगा। एक बार अगर हमला हो गया तो पूरा लाहौर खाली हो जाएगा, और पाकिस्तान जो बार बार धमकी देता है ना कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, बातचीत करने का समय चला जा चुका है। अब सर्जिकल स्ट्राइक से भी बहुत ज़्यादा बड़ी कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है, और निश्चित रूप से बहुत बड़ा सबक सिखाए जाने की जरूरत है। पूरा देश मोदी जी के साथ में है। ये पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बातों की बात मानेगा, वो एक कहावत तो आपने सुनी होगी, लात के भूत बात से नहीं मानते। तो हमें बिल्कुल ही एक स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए ताकि पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब मिले, और ऐसी हरकत दोबारा करने से पहले वो 100 बार सोच सके। वो अभी तो बहुत सख्त जवाब देना चाहिए, जैसे बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। उनकी तो ऐसी सर्जरी होनी चाहिए, ऐसा उनको इंजेक्शन लगना चाहिए ताकि वो होश में आए नहीं। मैं सरकार से उम्मीद ये करूँगा कि इस हमलों के पीछे जो हमारे शहीद हुए सैनिक, उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब पाकिस्तान का खात्मा होगा और पूरे सेना को छूट दी जाए। टाइम आ गया है कि आर या पार, क्योंकि इतने पाकिस्तान ने इतने जख्म दिए हैं कि अब उसका टाइम आ गया है कि हमें एक कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। पाकिस्तान लगातार पीठ में छुरा घोंप रहा है। अब जो उन जो पाक परस्त लोग हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं, उनकी भी केवल सुरक्षा व्यवस्था और उनकी विशेष सुरक्षा हटा लेने से काम नहीं चलेगा। उनको पाकिस्तान में धकेला जाए या फिर जेल में आजीवन बंद कर दिया जाए। निश्चित रूप से जो मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएगी कि भविष्य में वो भारत की ओर आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ी स्ट्राइक करके जवाब देना चाहिए। हमने एक बार उनको जवाब दे चुके हैं लेकिन वो बात नहीं मान रहे हैं, तो और उनसे भी ज्यादा करना चाहिए। बातचीत से ये हल होने वाला नहीं है। सवाल नंबर 9, पुलवामा आतंकी हमले पर राजनीति क्यों? ये आतंकियों को सैकड़ों किलोग्राम RDX, M4 कार्बाइन और रॉकेट लॉन्चर कैसे मिले? The tragic incident in the terror attack happened at 3:10. It was being relayed on your TV channels at 3:14. I saw it. राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति का, राष्ट्र की सुरक्षा और स्वाभिमान का सवाल है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ये नारा देने वाले लोगों को, आशीर्वाद देने वालों को ताकत देने का पाप मेरे देश का कोई नागरिक नहीं करेगा। ये मुट्ठी भर उन लोगों पर अफसोस होता है जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अब जनता की राय। कोई पॉजिटिव बात करता है, कोई निगेटिव बात कर रहा है, और सबकी हिंदुस्तान में जहाँ तक सवाल है डेमोक्रेटिक है, कोई भी अपने कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है, इसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एक स्टेप लेना चाहिए कि सारी पार्टीज वगैरह एक साथ मिले और एक इसका एक लॉन्ग टर्म इसका एक निकालें कि इसका जवाब एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से होना चाहिए, ना कि हम अगर अभी लड़ाई करेंगे तो उसके बाद वो भी कुछ रिएक्शन लेगा हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि एक इसका एक परमानेंट फॉर्म होना चाहिए जिससे टेररिज्म खत्म हो। बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी के आड़ में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो मर्जी बोलते, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते, ये सब दूसरे कंट्रीज में नहीं होते। अगर हम कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए तो ये सब बंद हो जाता। दे हैव नो राइट टू टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, एटलीस्ट इस चेयर दे मस्ट रेस्पेक्ट। राजनेताओं का काम है राजनीति करना, और हम देशभक्तों का काम है देश के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके एक सुर में एक सुर मिलाना। समस्त देशवासी, समस्त देशभक्त, मैं कह दूं 95% देशभक्त, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक ही सुर में आज पाकिस्तान के ऊपर उनकी भुजाएं भड़क रही है। इलेक्शन का माहौल है, अपना अपना जो भी काम करना चाहते हो, राजनीतिक लोग तो राजनीति का काम करेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है भारत से। सरकार किसी की भी है, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस पार्टी की हो, सहारा सरकार हिंदुस्तान के देश हित में सोचती है, और कोई भी सरकार क्यों ना हो वो पाकिस्तान को सबक सिखाने में सक्षम हो, चाहे वो इंदिरा जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो शहादत पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे जवानों ने शहादत दी है, वीरगति को प्राप्त हुए हैं,
और हमें तो दुख इस बात का कि हमारे सैनिक एक एक सैनिक कई कई सैनिकों पर भारी था, लेकिन धोखे से उन पर हमला करके उनकी मृत्यु हुई। इसमें कोई शादा इनमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बातों का तो समय बीत चुका है, उसका कोई फायदा नहीं है। अब आपको इंटेलिजेंटली उनको अटैक कहो प्रेशराइज कहो, आपको कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो सर्जिकल के मामले के थ्रू हो, चाहे लिमिटेड वॉर हो। सेना को ज़रूर कार्रवाई करना चाहिए। पाकिस्तान को हम बहुत सारे मौके दिए हैं मगर कभी भी सुधरा नहीं है वो। हर गवर्नमेंट पाकिस्तान का आता है और वो जो है ना यही उल्टा काम करता है बस। सवाल नंबर 10, शहीदों के परिवार की कैसे मदद की जाए? जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ है। भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम अपने सैनिकों, अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्व भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है वो भी देश समझ रहा है, और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। अब देश की जनता की राय जानते हैं। सैनिकों की मदद करने के लिए ऑप्शंस हैं। आप पेटीएम में जाके यू कैन रिलीज फंड ओवर देयर एंड थिंग्स लाइक दैट। जितना हो सके हम अग्निवीर के तरफ से और हम इंडिविजुअल सिटीजन, एक इंडियन सिटीजन के तौर पे भी हम भारत वीर वेबसाइट को डोनेट कर रहे हैं, और जितना फंड रेज कर सकते हैं हम वो भी कर रहे हैं। सैनिकों की सहायता के लिए अपना तन मन धन तीनों भी उनके साथ है। उसके अलावा मैंने अपने बोले तो खुद के पेटीएम से मैंने उन लोगों के लिए 500 रुपीज ट्रांसफर किया था, जो कि पेटीएम में ऑप्शन दिखा रहा है। अब कोई अकेले तो सहायता नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, हम लोग जो शहीद हो गए हमारे जवान, हम उनके परिवार के प्रति इतने संवेदनशील हो सकते हैं कि उन्हें ऐसा एहसास हो कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। इमरान खान 100% डरे हुए हैं, इसीलिए वो खुद का खाली अपने शहर में, अपने पाकिस्तान में ऐसे दिखा रहे हैं कि अपन डरे हुए नहीं है और लोगों को लगे कि हम डरे हुए नहीं है। इमरान खान डर के बोल रहा जब एक्चुअली उनका कैपेसिटी भी उतना नहीं है, विल पावर भी नहीं है उन लोगों के पास। अपने पास है स्ट्रॉन्ग आर्मी के मुकाबले में उन लोग कुछ भी नहीं है। आपने हिंदुस्तान की आवाज सुनी। हर एक सवाल का जनता ने खुलकर बेबाकी से जवाब दिया। पुलवामा आतंकी हमले से हर एक भारतीय बेहद गुस्से में है और उस पर हो रही राजनीति से दुखी भी। आप लोगों से अपील है कि राजनीतिक सोच बनाने के दौरान आप समाज के हर पहलू के बारे में सोचें। आपकी राजनीतिक चेतना को जागृत करना Zee News का दायित्व है।